हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर होल्डर के लिए एक बहुत बेहतरीन खबर निकल के आई है, जिससे हो सकता है आने वाले एक महीने के अंदर अंदर शेयर ₹50 का टारगेट यहाँ पर टच करते हुए नजर आ जाए, क्योंकि खबर बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इसके बिजनेस से रिलेटेड है और यहाँ से इसका शेयर प्राइस कितना ग्रो कर सकता है वो भी आप यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू देख पाओगे। सारी चीज़ें हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग अगर हम यहाँ पे मार्केट सिनेरियो से करें तो आज मार्केट काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। यहाँ पे अगर आप देखोगे आज निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप और निफ्टी बैंक में अच्छे खासे पॉइंट्स के साथ आपको उछाल देखने को मिला, जो कि आपको दो तीन दिन से एक करेक्शन मोड देखने को मिल रहा था मार्केट में, वो आज के दिन बहुत अच्छा मूवमेंट शो करते हुए नज़र आया। तो ये तो रही कुछ मार्केट की सिनेरियो के बारे में बात, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। ट्राइडेंट लिमिटेड में अगर आज आप यहां पर देखोगे तो 5% का अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिला। शेयर में काफी दिनों से अगर आप देखो थोड़ी सी गिरावट चल रही थी, एक दो लोअर सर्किट भी आपको देखने को मिले थे, लेकिन अब यहां पे आज का मार्केट सिनेरियो अगर हम देखें तो 5% का अपर सर्किट देखने को मिला और यहां पर जो शेयर है 39.80 पर क्लोजिंग देखने को मिली, यानी कि 39.80 पर आज आपको यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल सिनेरियो अगर हम देखें, ऑलरेडी शेयर जो है ASM स्टेज 1 में आ चुका है, लेकिन ये जो इसमें गिरावट देखने को मिली इससे दो तीन चीजें बहुत अच्छी नजर आई। एक तो इसका जो ओवरबॉट जोन में जाते हुए RSI था वो नॉर्मल हो गया। सेकंडली अगर आप देखोगे तो ASM लिस्ट से पहले स्टेज से निकलने के लिए भी काफी हद तक रास्ता यहां पर साफ होते हुए नजर आ गया है। लेकिन आज इसी पर्टिकुलर न्यूज की वजह से जो मैं आपको बताने वाला हूं उसका इंपैक्ट आपको डेफिनेटली इसके शेयर में देखने को मिला है, और यहां से अगर आप देखोगे तो शेयर बहुत अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकता है। वॉल्यूम के बारे में बात करें तो आप यहां पे BSE का डेटा देख ही पा रहे होंगे। वॉल्यूम तो इतना खास ज्यादा नहीं था क्योंकि इसमें अपर सर्किट देखने को मिला है, लेकिन डिलीवरी परसेंटेज अगर आप देखो तो करीबन 55% के आसपास है। वहीं अगर NSE के बारे में भी बात करें तो वहां भी इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं आ पाया, क्योंकि अगर आप देखो तो इसमें ज्यादा बाइंग और सेलिंग करने का मौका मिल नहीं पाया क्योंकि शेयर में अपर सर्किट देखने को मिला था, लेकिन फिर भी आपको यहां पर ठीक ठाक सी ट्रेडिंग आज यहां पर देखने को मिल गई है। तो ये तो कुछ रहा आज का सिनेरियो ट्राइडेंट लिमिटेड के लिए। अब हम यहां पे उस अपडेट के ऊपर बात कर लेते हैं कि वो अपडेट क्या निकल के आई है जो कि यहां से एक बड़ी तेजी ला सकती है। यहां पर आप स्क्रीन पर जो न्यूज है वो देख पा रहे होगे। ट्राइडेंट लिमिटेड टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और यहाँ पे अगर आप देखो इस पर्टिकुलर सेक्टर में ट्राइडेंट हमेशा बहुत ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्म करती हुई नज़र आई है। लेकिन अब आप यहाँ पे बात करें तो ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट, यहाँ से अगर आप देखोगे तो करीबन $146 बिलियन तक पहुँचते हुए नज़र आने वाला है 2027 तक, यानी 2027 तक अगर आप यहाँ पे देखो जो ग्लोबल टेक्सटाइल बिजनेस है वो आपको $146 बिलियन तक देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा बेहतरीन ग्रोथ आपको यहां से आने वाले 5-6 साल के अंदर मिलने वाली है। और यहां पे अगर आप देखो ये जो ग्रोथ निकल के आती है वो करीबन 4.70% की ग्रोथ देखने को मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा बेहतरीन ग्रोथ आपको यहां से हम देख कर चल सकते हैं। तो ओवरऑल जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो ग्रोथ रुकी हुई थी वो अब यहां से बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रो होने वाली है, और डेफिनेटली जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम लाई गई है जिसका मेजरली फोकस टेक्सटाइल सेक्टर पे है, उससे भी डेफिनेटली बहुत बड़ी हेल्प होने वाली है ट्राइडेंट लिमिटेड को। तीसरी भी न्यूज मैंने एक बार आपको बताई थी कि ट्राइडेंट लिमिटेड अपना खुद का सोलर प्लांट बनाने वाला है, वो भी बहुत ही जल्दी, जिससे इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत हद तक कम होने वाले हैं और जो प्रोडक्शन लेवल है वो डबल या ट्रिपल होने वाली है। तो डेफिनेटली अगर हम इन सारी चीजों को यहां पर कंबाइन करके देखें तो बहुत बड़ी ग्रोथ आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है ट्राइडेंट लिमिटेड में। यहां पे आपको कुछ प्लेयर्स के नाम भी देखने को मिल रहे हैं जो कि इस पर्टिकुलर सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जिसमें आपको ट्राइडेंट लिमिटेड का भी नाम देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत ज्यादा बेहतरीन आज के टाइम पे नाम नजर आता है। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही थी जिसका डेफिनेटली आने वाले टाइम में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। अब हम यहां पे दूसरे अपडेट के बारे में बात करें
तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ट्राइडेंट लिमिटेड है उसने mytrident.com के साथ एक अच्छी खासी पार्टनरशिप डील साइन की है, जिसकी वजह से अब ग्लोबली अगर आप देखो यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रांड बनने वाला है ट्राइडेंट लिमिटेड। क्योंकि अगर आप देखो जो इतना बेहतरीन ब्रांड होने के बाद भी अभी इसकी रीच इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइप के साथ अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको नेशन वाइज तो इसकी जो रीच है वो तो बढ़ती हुई नज़र आएगी, ग्लोबली भी आपको इसकी जो रीच है वो बहुत हद तक बढ़ती हुई नज़र आने वाली है। क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है और ई स्टोर्स अब हर पर्टिकुलर साइट के आपको अवेलेबल देखने को मिलते हैं, वही आपको यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड का भी देखने को मिलने वाला है। तो डेफिनेटली ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ से, जो कि यहाँ से आने वाले अगर हम 3 से 4 साल देखें तो बहुत बड़ी ग्रोथ इनके रेवेन्यू में, इनके बिजनेस में हम लोग देख के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इसके कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें, आपको यहाँ पे फिगर्स देखने को मिल रहे हैं जो कि बहुत बेहतरीन अमाउंट के साथ, परसेंटेज के साथ ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे हम इसके रेवेन्यू के बारे में बात करें, प्रॉफिट के बारे में बात करें, इनकम के बारे में बात करें, या फिर हम अर्निंग पर शेयर के बारे में भी बात करें, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा खासा इसमें अपग्रेडेशन, इसमें मूवमेंट दिख रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ से अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को जो एक टाइम पे 5 से 6 रुपये के आसपास ट्रेड करता था जब मैंने आपको ये रेकमेंड करना स्टार्ट किया था, और आज ये 40 रुपये के लेवल तक ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो चीज़ें अच्छी हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये डिविडेंड भी प्रोवाइड कराता है अपने शेयर होल्डर को, तो यहाँ पे आपको डुअल बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि रिटर्न्स तो शानदार है ही, प्लस आपको अच्छा खासा सेक्टर में सबसे ज़्यादा एक टाइप से अगर हम मान के चलें तो डिविडेंड ये कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पे आपको अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो डेफिनेटली दो बेनिफिट आपको यहां पे मिलते हैं, एक तो बेहतरीन रिटर्न, प्लस आपको यहां पे डिविडेंड भी मिलता है। कम्युनिटी सेंटीमेंट्स के बारे में बात करें तो करीबन 82% यहां पे बिजनेस एनालिस्ट बात कर रहे हैं कि आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। बाकी 18% में आपको होल्ड और सेल की रिकमेंडेशन देखने को मिल रही है, जिसमें सेल की रिकमेंडेशन सबसे ज्यादा कम नजर आती है। तो यहां पे अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे भी सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन बाइंग की निकल के आती है, क्योंकि कि अगर हम यहां पर टारगेट के बारे में बात करें तो जहां तक मुझे लगता है 1 से 2 महीने के अंदर अंदर ये जो शेयर है वो आपको 50 रुपए के टारगेट दिखा सकता है। वहीं अगर हम इसमें लॉन्ग टर्म का विजन लेके चल लेते हैं और इसमें अगर आपने 5 साल तक इसमें इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया तो डेफिनेटली ये शेयर आपको 500 रुपए के टारगेट भी शो कर सकता है, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग इसका परफॉर्मेंस है तो 500 रुपए के टारगेट 5 साल के अंदर बहुत कम नजर आते हैं। तो मैंने जो भी अपडेट्स थी, जो भी सिनेरियो था, वो सारी चीजें आपको बता दी। आई होप आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।